नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्वालिटी मंत्रा में। और दोस्तों आज हम इस वीडियो में रिव्यू करने जा रहे हैं मिल्टन स्किन बॉटल्स का। दोस्तों मिल्टन की जो बॉटल्स होती हैं वे तीन डिफरेंट शेप्स में आती हैं और ये दोस्तों तीनों बॉटल्स वो हमारे पास हैं। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इन तीनों बॉटल्स के बीच में क्या क्या फर्क होता है, क्या क्या इसका प्राइस है, क्या क्या इसमें मटीरियल यूज़ किया गया है और कौन सी बॉटल आपके लिए सही रहेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों नीचे रेड सब्सक्राइब बटन है, प्लीज़ आप उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा। दोस्तों साइड में एक बेल आइकन भी होगा, उसे भी आप दबा दीजिए। उससे क्या होता है कि जब भी एक चैनल पे नई वीडियो आती है आपके पास कोई नोटिफिकेशन चली जाएगी कि इस चैनल पे वीडियो अपलोड हो चुकी है, उसके बाद आप वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये रही हमारी तीनों मिल्टन की बॉटल्स। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनकी क्वांटिटी के बारे में। दोस्तों ये जो आप बॉटल देख रहे हो इसकी क्वांटिटी 1 लीटर, जो दूसरी बॉटल आप देख रहे हो इसकी भी क्वांटिटी 1 लीटर है, लेकिन दोस्तों ये तीसरी बॉटल है हमारे पास उसकी क्वांटिटी है 750 ml। दोस्तों क्वांटिटी के बारे में आपको इसकी जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये तीनों बॉटल्स जो हमें डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज में अवेलेबल है, जैसे कि 350 ml हो गया, 500 ml, 750 ml या फिर 1 लीटर हो गया। सो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज में ये अवेलेबल है। दोस्तों नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इनका प्राइस भी चेक कर सकते हो। दोस्तों प्राइस की अगर मैं बात करूं दोस्तों ये जो बॉटल है इसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है। दोस्तों आगे हम वीडियो में बात करेंगे कि इनका जो इस बॉटल का जो प्राइस है वो ज्यादा क्यों है। सो दोस्तों अगर मैं बात करूं कि किस मटेरियल से इन बॉटल्स को बनाया गया है, सो दोस्तों तीनों बॉटल्स में जो मटेरियल यूज किया गया है वो है स्टेनलेस स्टील। दोस्तों स्टेनलेस स्टील जो होता है वो सिंपल स्टील से ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि दोस्तों स्टेनलेस स्टील में आपको जंग लगने का डर नहीं होता। दोस्तों काफी सालों तक अपनी ये बॉटल्स हैं वो वैसे की वैसी रहती हैं। सो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस बॉटल के बारे में। दोस्तों इस बॉटल का नाम है थर्मोस्टील इफेंट बॉटल। दोस्तों ये जो बॉटल है वो सबसे पुरानी वाली बॉटल है, क्योंकि दोस्तों इसको मिल्टन ने रिलीज किया था 3-4 साल पहले और आज भी ये अच्छे से चल रही है। दोस्तों अगर मैं कलर ऑप्शंस की बात करूँ तो तीन कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है, एक हो गया ब्लू, फिर आएगा पर्पल और तीसरे वाला ये जो आप देख रहे हो स्टील प्लेन। दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसकी मटीरियल की, दोस्तों मटीरियल जो इसमें यूज़ किया गया दोस्तों वो है स्टेनलेस स्टील, लेकिन दोस्तों अंदर इसके आपको कॉपर की कोटिंग देखने को मिलेगी। दोस्तों एक बार जो है आपने मटेरियल डाल दिया दोस्तों 24 घंटे तक आपको जो मटेरियल वो वैसे का वैसा ही रहेगा। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं हमारी दूसरी बॉटल के बारे में। दोस्तों इस बॉटल का नाम है थर्मोस्टील फ्लिप लिड फ्लास्क। दोस्तों ये जो बॉटल है वो तीनों बॉटल से सबसे सस्ती वाली बॉटल है, क्योंकि दोस्तों इसमें आपको प्लास्टिक मटीरियल यूज़ किया हुआ मिलेगा। सो दोस्तों वैसे तो इस बॉटल के काफ़ी सारे फायदे हैं। दोस्तों एक तो इस बॉटल में आपको जो एरिया मिलता है दोस्तों वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है, जिनका आप इजीली इसको क्लीन कर सकते हो। दोस्तों एक तो इस बॉटल के ऊपर आपको ये कप मिल जाता है, दोस्तों दूसरा इसको कैरी करने के लिए आपको ये कवर भी मिल जाता है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ मटीरियल की, दोस्तों इसको भी स्टेनलेस स्टील मटीरियल से बनाया गया है। दोस्तों एक बार जो इसमें चीज़ आपने डाल दी वो 24 घंटे के लिए वैसे की वैसी रहेगी। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं हमारी तीसरी बॉटल के बारे में। दोस्तों इस बॉटल का नाम है थर्मोस्टील ड्यू ड्यूलेक्स। दोस्तों ये जो बॉटल है वो सबसे महंगी वाली बॉटल है। दोस्तों इसका रीज़न ये है कि ये आपको सबसे ज़्यादा इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। दोस्तों ये जो बॉटल है वो अवेलेबल है डिफरेंट डिफरेंट कलर ऑप्शन में, जैसे कि रेड हो गया, ग्रे हो गया, पिंक हो गया या फिर ये जो आप देख रहे हो स्टील प्लेन। दोस्तों अगर मैं बात करूँ मटीरियल की, दोस्तों इसके अंदर और बाहर आपको स्टेनलेस स्टील मटीरियल देखने को मिलेगा। सो दोस्तों अगर मैं बात करूँ कि क्या सच में ऐसा होता है कि जो एक बार इन बॉटल्स के बीच में आपने मटीरियल डाल दिया वो 24 घंटे के लिए वैसे का वैसे ही रहेगा, सो दोस्तों इसका आंसर है नहीं। क्योंकि दोस्तों एक्चुअल में क्या होता है कि जो इंसुलेशन होती है उसकी एक रेंज सेट की गई होती है, इनका 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जो भी आप मटेरियल इन बॉटल्स के बीच में डालोगे वो इस रेंज में आ जाता है। दोस्तों फॉर एग्जाम्पल जो आइस क्यूब्स होते हैं वो अपने इसमें डाली, जिनका आइस क्यूब का जो टेम्परेचर होगा वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ऑटोमेटिकली वो पिघल कर 18 डिग्री सेंटीग्रेड में आ जाएगा। उसके बाद क्या करेगा वो 12 घंटे तक वो वैसे ही रहेगा और उसके बाद जो टेम्परेचर वो चेंज होने लग जाएगा। दोस्तों इसी तरह अगर आपने इसमें गर्म वाटर डाला जिसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, दोस्तों वो भी इस रेंज में आ जाएगा, यानी 60 डिग्री में आ जाएगा और 12 घंटे तक वो वैसे ही रहेगा, उसके बाद टेम्परेचर चेंज होने लग जाएगा। सो दोस्तों ये थे बॉटल्स का शॉर्ट रिव्यू। दोस्तों अगर आप चूज कर रहे हैं कि कौन सी बॉटल आपके लिए सही रहेगी, दोस्तों उस केस में ये वाली बॉटल आपके लिए बेस्ट रहेगी, क्योंकि दोस्तों इसमें जो इंसुलेशन यूज किया गया वो दूसरी बॉटल्स के कंपैरिजन ज्यादा अच्छा है। दोस्तों इसे मैं टेस्ट किया था अलग अलग मटीरियल डालकर, जो इसे रिजल्ट हमें देखने को मिला दोस्तों वो भी काफी अच्छा है। दोस्तों अगर आप इसे खरीदना चाहते हो नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको खरीद सकते हो। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर अक्सर इस तरह के रिव्यूज आते रहते हैं। दोस्तों फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।